नमक पारे बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा लगभग 1.5 कटोरी मैदा, हमें लेना पड़ेगा 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और लगभग 1.5 चम्मच के करीब हम लेंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच लेना पड़ेगा हमें अजवाइन। तो नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम मैदे को एक परात में ले लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले नमक डालेंगे। इसके पश्चात हम डालेंगे अजवाइन, फिर हम ले लेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। और इसको हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे, और बाइंड करने के बाद हम इसमें गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप इस आटे को गूंदते समय गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस आटे को गूंदेंगे। अब हमारा डो बनकर तैयार है और इसको मैंने ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसके बॉल्स बना लूँगी और उसके बाद हम इसको चकले पर बेल लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। मैंने डो में से बॉल बना लिया है और इसका आटा थोड़ा सा सख्ती होता है तो बेलेंगे। अब हमने इसको कंप्लीट बेल लिया है और अब हम एक शार्प नाइफ से नमक पारे को काटेंगे, यानी कि उसको शेप देंगे। तो आप ऐसे लंबी लंबी धारियां चलाएंगे इसमें बिल्कुल। आप चाहें तो इसे और पतली भी कर सकते हैं अगर आपको पतले नमक पारे पसंद है तो। और हम इसे अच्छे से पूरा कट कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया कढ़ाई में, और अब मैं इसे और काटूंगी। आप देखें कि पूरी तरीके से मैंने इसको पीसेस में काट लिया है। और इसके बाद इसको मैं निकाल लूंगी और फिर मैं इसको तलने के लिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमारा जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो गया है और जो हमारे कटे हुए नमक पारे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके के हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद इस झरने की सहायता से हम इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। आपको इसको लगातार हल्के हाथों से चलाते जाना है और लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है ना। तो हमारे जो नमक पारे हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और इसको किसी टिश्यू पेपर पर हम निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल है जो वो निकल जाएगा। तो अब हमारे नमक पारे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। तो अब हमारे आप देख रहे हैं नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं। तो इसी तरीके से आप हमारी रेसिपी देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब मैं चलती हूँ और आप इस दिवाली पर चाय के साथ इन नमक पारों का लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।